हमारा पास दुनिया का सबसे ज्यादा ट्री है इनोग्रेशन रैली 2,50,000 के अंदर ऊपर है। जैसे भूटान, भूटान का आजूबाजू जितना शेड और उधर केरला, तमिलनाडु, मैंगलोर, बेंगलोर का आजूबाजू जितना ट्री है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का अलग अलग जगह, जैसे हमारा त्रिपुरा में 8 महीने पहले ही हम स्टार्ट किया अलग अलग हिस्से में, इधर बांग्लादेश, चिटागंज, ब्राक, एक्सपो ग्रुप, अलग अलग बड़ा बड़े कंपनी, बहुत बड़े बड़े जगह है। हमारा ये कहना है हम लोग आगत ज्यादा कैसे निकाल सकते हैं, ये मेन मकसद है। मार्केट तो अपने आप बन जाएगा, जिधर सामान ज्यादा निकलेगा उधर कस्टमर अपने आप आ जाएगा। हम आसाम में 2019 से जो पॉलिसी स्टार्ट किया था आसाम गवर्नमेंट ने, थोड़ा अच्छा लगा तो हम लोग इधर इनोग्रेशन करना शुरू किया। पहले हम बाहर करते थे, आजकल त्रिपुरा में इसलिए इन्वाइट किया हम लोग आया, इधर का पॉलिसी सबसे बेहतर है इंडिया से, सबसे बेहतर लगा। और हम लोग ये कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इधर, ऑलरेडी पिपरासा आरआरओ का साथ हम लोग 20,000 आगर ट्री एग्रीमेंट का साथ इनोग्रेशन स्टार्ट कर दिया। ये हमारा कंपनी का फुली इन्वेस्ट है। और हम आज ये त्रिपुरा का जो पॉलिसी घर घर आगर, हर हर घर आगर, ये हम लोग ये कहना चाहता है हर घर में जो आगर ट्री है उसमें आप आगर पैदा कीजिए। कोई भी इनोग्रेशन, कोई भी कंपनी या कोई भी अच्छा देख के वो कर लीजिए, लेकिन हमारा मकसद है आज हम आप लोग का डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और फार्मर को यह कहना चाहते हैं अगरतला में हमने कॉफीज कर रहे हैं और डायरेक्ट जेड बैग डायमंड 1 लाख अगर ट्री 4 साल में, मतलब मिनिमम 3 किलो से 6 किलो, 3 किलो से अगर पकड़ेगा तो 3 लाख किलो अगर हम पैदा करेंगे, 1 लाख ट्री को इनोग्रेशन करेंगे, वो उसमें जितना इनोग्रेशन का खर्चा आएगा वो 70% वो हम जेड ब्लैक डायमंड इन्वेस्ट करेगा। और कोई फार्मर या कोई एजेंसी या कोई कंपनी हमारा साथ जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। तो आगे जैसा पॉलिसी देख रहा हूँ, आगे हम लोग ऐसा कुछ अगर एग्रीमेंट या कुछ करना चाहता तो करेंगे। हम लोग का ये इच्छा है तो त्रिपुरा में सबसे बेहतर पॉलिसी है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अगर हम लोग तो 20,000 स्टार्ट ही कर दिया वो करते करते बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा पास जब आगर ज्यादा होगा, बेहतर क्वालिटी होगा, कस्टमर अपने आप आ जाएगा। हमारा सब आउट ऑफ इंडिया या इंडिया का बहुत बड़ी बड़ी कंपनी कॉन्टेक्ट में है या इंडिया का अलग अलग जो आगर में नहीं है, मेडिसिनल कंपनी या अलग कंपनी जैन हमारा साथ इन्वेस्ट करके ये बिजनेस में आना चाहता है। अगर ऐसा चीज है लाखों रुपया, वो तो सुबह से ही सुन रहा हूँ, सबको पता है लाखों रुपया मुनाफा है। हम हमारा इनोग्रेशन में 1 किलो से 10 किलो तक आकर मिनिमम निकाल सकते हैं। हम इंडिया का अलग अलग और आउट ऑफ इंडिया का अलग अलग कंपनी या गवर्नमेंट आके हमारा प्लांट भी उदालपुरी मार्ग नया भूटान और भूटान का पांडवन गेलेपू और अरुणाचल का अलग अलग हिस्से 300 क्या बहुत बड़ा हमारा प्लांट है। हर जगह में आप लोग आके देख सकते हैं, आपका गवर्नमेंट, आप लोगों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जितना एजेंसी है, मिलिट्री है, हर आदमी आके हम लोग का न्यूज करते हैं, हम लोग लाइव करते हैं, लाइव दिखाते हैं। एक बार आप लोग आइए, फार्मासी या कोई भी टीम आके देखिए हमारा दूध का क्वालिटी कैसा है, स्मेल कैसा है, तो उसका 2 साल का इंतजार का जरूरत नहीं, अभी लगाओ, टेस्ट करो, बाद में 2 साल में आओ, 2 साल बहुत बड़ी टाइम है। तो अभी जाके हम लोग एक बार आइए आके, जैसे भारत का कंपनी तेलंगाना, कर्नाटका, केरला में बहुत सारे कंपनी इनोग्रेशन सब पहला है, उधर हम लोग इनोग्रेशन कर रहे हैं लीज 3 लाख की ऑलरेडी चालू, हर डिस्ट्रिक्ट में हर रोज हो रहे हैं बहुत सारे। तो हम लोग हमारा प्लांट में आइए, अगर ट्री काटिए 1 किलो 2 किलो लेके आइए,
रहेंगे।